Only Hafiz Syed is a terrorist who has conspired against this country and indulged in actual acts of conspiracy. The government of India has nothing to do, not directly, not indirectly, not even remotely, with any journalist in his individual capacity. जेटली के बयान के बाद सदन में हंगामा नहीं रुका। कांग्रेस ने साफ पूछा, वैदिक आखिर किसके दूत बनकर हाफिज सईद से मिलने गए थे? सर, वी हैव बीन इन गवर्नमेंट, सच मीटिंग्स कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस एंड अनटिल इट इज इन द नॉलेज, इट हैज बीन फैसिलिटेटेड, देयर वुड बी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड, वेदर दे There was information with the High Commission of India in Islamabad. Whether the High Commission conveyed that to the Ministry of External Affairs, Look, Ministry of External Affairs will have to give this statement. If he claims that he is a intermediary and missionary, who has sent him on that mission? उधर वेद प्रताप वैदिक इस मामले पर एक बार दैट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स Look, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल हैव टू गिव दिस स्टेटमेंट इफ ही क्लेम्स दैट ही इज ए intermediary and missionary, who has sent him on that mission? उधर वेद प्रताप वैदिक इस मामले पर एक बार फिर सफाई देने मीडिया के सामने आए तो नया शिगुफा छोड़ दिया। कहा उनके साथ सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर भी गए थे। हालांकि हाफिज सईद से मुलाकात सिर्फ वैदिक की हुई। ये यात्रा मेरी किसके साथ हुई? सलमान खुर्शीद के साथ हुई, मणिशंकर अय्यर के साथ। मणिशंकर जी अय्यर मेरे बड़े भाई की तरह हैं, परम मित्र की तरह हैं। वो मुझे अपने साथ ले गए थे वहाँ एक संवाद में सेमिनार के लिए, और क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और दर्जनों पत्रकार मेरे वहाँ परम मित्र हैं, उन्होंने कहा मैं मिल लिया। अगर जो कांग्रेसी नेता मेरी आलोचना कर रहे हैं वो अपने नेता को वहाँ भेजते तो उनका पजामा गीला हो जाता और उनको स्ट्रेचर पे लाद के बाहर लाना पड़ता। इससे पहले वेद प्रताप वैदिक ने हाफिज सईद से मुलाकात में हुई बातचीत के मुद्दों पर भी खुलासा किया था। हाफिज सईद ने मुझसे पूछा नरेंद्र मोदी के बारे में कि नरेंद्र मोदी इतने खतरनाक हैं, वो आपके वजीर आजम बन गए हैं, ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। तो उनको मैंने कहा कि आपका सोच सही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे चुनाव अभियान के दौरान एक भी शब्द इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला है। वैदिक खुद सफाई दे रहे हैं और सरकार उनसे पल्ला झाड़ रही है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को एजेंडा बना चुकी है और इसलिए कांग्रेस ने इस मामले पर विदेश मंत्रालय से सफाई मांगी है। दिल्ली से राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हाफिज और वैदिक की मुलाकात को लेकर सिर्फ संसद में ही हंगामा नहीं हुआ, संसद के बाहर भी विरोधियों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गंभीर है। वो पत्रकार जरूर हैं, क्या उन्होंने कोई इंटरव्यू लिया उनसे जाके? क्या बातचीत हुई? देश को बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। इस मामले में वही बताएंगे कि उनकी मुलाकात का मकसद और मंशा क्या थी, क्यों मिले थे, किस लिए मिले थे, वो उसकी सफाई वो दें, उसी को वही साफ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इतना बड़ा आतंकवादी तो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उससे किसी को मिलने नहीं जाना चाहिए। अगर मिलने गए थे क्यों गए थे? तो हिंदुस्तान की सरकार को इन सब चीजों पर गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा न चाहिए देश लावारिस हो जाए, जो चाहे जो करे। उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश की होगी, और आदरणीय वैदिक जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पत्रकार जो है वो यदि किसी संदर्भ में किसी व्यक्ति विशेष से मिलता है तो इसके पीछे कोई हेतु होता है।